फिर आपको फाइवर के ऊपर कोई ऑर्डर मिलता है तो उसको किस तरह से डिलीवर करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। जब आपको फाइवर के ऊपर कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन भी शो होता है और आपको इसकी एक ईमेल भी आती है। डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करने की बजाय क्लाइंट आपको पहले इनबॉक्स के अंदर मैसेज करके प्रोजेक्ट की डिटेल्स को डिस्कस कर सकता है। वैसे तो आपने कोशिश करनी है जो भी क्लाइंट आपको मैसेज करे आपने प्रोफेशनल तरीके से उसको रिप्लाई करना है ताकि क्लाइंट आपको ही हायर करे। लेकिन कुछ क्लाइंट के नाम के आगे आपको इस तरह के आइकन नजर आएंगे। ये क्लाइंट फाइवर प्रो, फाइवर सेलेक्ट, एंटरप्राइज या फिर बिजनेस क्लाइंट हो सकते हैं। ये क्लाइंट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर सकते हैं, तो कोशिश करें इस तरह के क्लाइंट्स को फास्ट और प्रोफेशनल रिप्लाई करें। जहाँ पे आप क्लाइंट के साथ मैसेज पे बात कर रहे होते हैं वहीं पे नीचे आपको कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। इस आइकन पे क्लिक करके आप कुछ प्री मेड मैसेजेस को सेलेक्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का एक कस्टम क्विक रिस्पॉन्स भी बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं ताकि आपको बार बार एक ही मैसेज टाइप ना करना पड़े। आप एक ऑटो रिप्लाई भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही क्लाइंट आपको मैसेज करे तो उसको आपकी तरफ से एक रिप्लाई चला जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि ये ऑटो रिप्लाई आपके रिस्पॉन्स रेट पे इफेक्ट नहीं करता। रिस्पॉन्स रेट वही काउंट होगा जो आप खुद से मैसेज टाइप करके क्लाइंट को सेंड करते हैं। कोशिश करें कि एक घंटे के अंदर अंदर क्लाइंट को लाजमी रिप्लाई करें। अगर आप लेट रिस्पॉन्स करेंगे तो आपकी गिग की रैंकिंग भी डाउन हो जाएगी। अगर क्लाइंट के साथ आपकी डील फाइनलाइज हो जाए तो क्लाइंट आपको कस्टम ऑफर सेंड कर सकता है या फिर आप खुद भी यहाँ से क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करके उसको एक ऑफर सेंड कर सकते हैं। यहाँ से अपना गिग चूज करेंगे देन आपको चार ऑप्शन शो होंगे। सिंगल पेमेंट का मतलब यह है कि आप जो भी काम करेंगे उसकी पेमेंट आपको ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एंड पे इकट्ठी मिल जाएगी। यहाँ आप अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें करके देंगे। रिविजन्स का मतलब यह है कि ऑर्डर डिलीवर करने के बाद क्लाइंट कितनी दफ़ा आपसे चेंजिंग करवा सकता है। जितना बजट और टाइम वगैरह क्लाइंट के साथ आपका फाइनल हुआ है आपने यहाँ से वो चूज़ कर लेना है। नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स। जो आपने गिग के अंदर रिक्वायरमेंट सेट किए हैं जब तक क्लाइंट वो रिक्वायरमेंट को सबमिट नहीं करेगा आपके ऑर्डर का टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर पहले से ही क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट आपको इनबॉक्स के अंदर सेंड कर दी है तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं। जो नीचे वाले ऑप्शन है इसको आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। जो चीज़ें आपकी क्लाइंट के साथ फाइनल हुई हैं आपने यहाँ से वही सिलेक्ट करके और फिर आपने ऑफर सेंड करनी है। आवरली का मतलब यह है कि आप घंटों के हिसाब से चार्ज करेंगे कि एक घंटे के मैंने इतने पैसे चार्ज करने हैं। माइलस्टोन का मतलब यह है कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और जैसे जैसे आप माइलस्टोन कंप्लीट करते जाएंगे आपको उसी तरह से साथ साथ पेमेंट मिलती जाएगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का प्लान है, इसमें आप क्लाइंट को कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। अगर तो आपको यकीन है कि जो आप काम करने लगे हैं उसकी इतनी फिक्स प्राइस है तो आप सिंगल पेमेंट को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो कि कितने पैसे चार्ज करने चाहिए देन आप आवरली प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑर्डर का नोटिफिकेशन आपको यहाँ डैशबोर्ड के अंदर भी नजर आता है। इसके अलावा आप यहाँ से माय बिजनेस पे क्लिक करके ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्टिव के अंदर आपको वो ऑर्डर शो हो रहा होगा जो क्लाइंट ने आपको प्लेस किया है। यहाँ से इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑर्डर पेज है, इस ऑर्डर पेज के अंदर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लाइंट ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट सबमिट करवाई है, उसने कौन सा गिग चूज किया है, उसकी प्राइसिंग कितनी है, क्लाइंट का नाम, हर चीज़ यहाँ पे लिखी होती है। आप इस ऑर्डर पेज के ऊपर भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इनबॉक्स के अंदर भी क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा लंबा है उसमें बहुत सारे दिन लग सकते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि डेली क्लाइंट को ब्रीफ करना है कि आपने आज इतना काम कर लिया है, उसको लाजमी आपने अपडेट करते रहना है साथ साथ। और यहाँ पे आपको टाइमर नज़र आता है कि आपने जो टाइम सेलेक्ट किया होता है वो टाइम यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। आपने इस टाइम के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करके क्लाइंट को डिलीवर करना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने काम मुकम्मल नहीं किया तो आप क्लाइंट को डिलीवर ना करें। इनकम्प्लीट वर्क आप डिलीवर नहीं कर सकते। अक्सर ये होता है कि जो नए फ्रीलांसर्स हैं वो टाइम ख़त्म होने के डर से जो इनकम्प्लीट वर्क है वो क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं और साथ मैसेज करते हैं कि इतना काम हमने कर लिया है और बाकी का जो काम है वो मैं आपको बाद में इनबॉक्स के अंदर सेंड कर दूंगा। इनकम्प्लीट वर्क सेंड करने से आपकी जो प्रोफाइल है वो बैन हो सकती है या आपको फाइवर की तरफ से वार्निंग मिल सकती है। दो वार्निंग मिलने के बाद तीसरी वार्निंग के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो मुकम्मल तौर पर बैन हो जाएगा, चाहे आप टॉप रेटेड सेलर ही क्यों ना हो। अगर आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ और ऑर्डर का टाइम भी ख़त्म होने वाला है तो आपने ये करना है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें और आप ऑर्डर का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सटेंड डिलीवरी टाइम पे क्लिक करके अपना बता सकते हैं कितने दिन मजीद आपको चाहिए। तो आप ये रिक्वेस्ट है क्लाइंट को सेंड करेंगे, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जब क्लाइंट का काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ से आपने डिलीवर नाउ पे क्लिक करना है। डिस्क्राइब योर डिलीवरी के अंदर आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सा काम किया है,
इस जगह आप यूज़ अ क्विक रिस्पॉन्स पे क्लिक करके भी कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर अपना एक न्यू मैसेज यहाँ पे लिख के सेव कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कोई ऑर्डर डिलीवर करें तो आपको वो सारा मैसेज दोबारा से ना लिखना पड़े। नीचे आपने अपलोड वर्क पे क्लिक करके अपनी प्रोजेक्ट की फाइल JPG, PDF, PNG जो भी आपकी फाइल है यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है। इसके अलावा आपने ऑफर सेंड करते हुए अगर सोर्स फाइल को टिक किया था, या क्लाइंट ने जब आपको ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको सोर्स फाइल भी चाहिए, तो आपको ये सोर्स फाइल का ऑप्शन शो होगा। अदरवाइज अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया, क्लाइंट ने भी चूज नहीं किया, तो ये आपको ऑप्शन शो नहीं होगा। सोर्स फाइल के अंदर अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो PSD फाइल होगी, इलस्ट्रेटर की है तो यही फाइल, इस तरह से आपने जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने काम किया है उसकी एडिटेबल फाइल आपने यहाँ पे अटैच करनी है। मैंने यहाँ पे अपनी डिलीवरी को डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे मैंने कुछ फाइल्स अटैच की हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है एड अ सैम्पल टू योर गिग्स गैलरी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी JPG या PNG फाइल्स आपने अटैच की हैं उसमें से कोई एक फाइल आप एज अ सैम्पल या पोर्टफोलियो के तौर पे आप अटैच कर सकते हैं। पोर्टफोलियो इमेज आप अलग से भी बना के अपलोड कर सकते हैं और इसका साइज वही होगा जो आपने गिग इमेज का साइज रखा था। यहाँ आप एरो पे क्लिक करके वो इमेज चूज कर लेंगे जो आप अपने गिग के ऊपर दिखाना चाहते हैं पोर्टफोलियो के तौर पे। और जब क्लाइंट आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और वो आपके इस पोर्टफोलियो इमेज को अप्रूव कर देगा, तो देन आपके गिग के ऊपर ये इमेज शो होगा। फाइवर के ऊपर गिग बनाते हुए आपके पास 3 इमेजेस को अटैच करने का ऑप्शन होता है। 3 के अलावा जो भी इमेजेस आपको नजर आते हैं किसी भी गिग के ऊपर, तो वो पोर्टफोलियो इमेजेस होते हैं जो क्लाइंट ने अप्रूव किए होते हैं। जब आप फाइवर पे क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर तो वो आपके काम से सेटिस्फाई है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेगा, आपकी डिलीवरी को अप्रूव करके वो अपना फीडबैक भी ऐड कर सकता है। आपको उसके फीडबैक का नोटिफिकेशन रिसीव होता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता कि क्लाइंट ने आपको कितने स्टार दिए हैं या उसने अपने फीडबैक के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। क्लाइंट 20 मिनट तक अपने रिव्यू को एडिट कर सकता है, 20 मिनट के बाद आपको उसका फीडबैक शो होता है। आपने क्लाइंट के फीडबैक के रिप्लाई में अपना फीडबैक ऐड करना होता है, उसको रेट करना होता है, देन अपना फीडबैक सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आपको क्लाइंट का फीडबैक और उसकी रेटिंग शो होती है। ये पब्लिक फीडबैक होता है। इसके अलावा ऑर्डर कंप्लीट होने के 24 घंटे बाद फाइवर आपके क्लाइंट से एक प्राइवेट फीडबैक भी लेता है और ये फीडबैक किसी को शो नहीं होता। इस फीडबैक से भी आपके गिग की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। इसके अलावा क्लाइंट आपको टिप भी दे सकता है। अगर क्लाइंट ने फीडबैक नहीं दिया तो आप 1 या 2 दिन बाद क्लाइंट को एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। ज़्यादा मैसेज नहीं करने, ये ना हो कि क्लाइंट आपको बैड फीडबैक दे जाए। इसके अलावा आप क्लाइंट से 5-स्टार फीडबैक नहीं मांग सकते, आप सिर्फ फीडबैक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5-स्टार फीडबैक या 5-स्टार रिव्यू का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया या उसमें वो कोई चेंजिंग करवाना चाहता है तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेगा, आपको रिवीजन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। इसकी आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और आपको ईमेल भी आती है। इसके अलावा क्लाइंट आपकी डिलीवर फाइल के ऊपर कोई कमेंट भी कर सकता है, लेकिन ये कमेंट आपको मोबाइल के ऊपर शो नहीं होता, ये आपको फाइवर की वेबसाइट पर ही आपको शो होगा और इसका आपको ईमेल भी आती है। तो आपने इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके व्यू कमेंट पर क्लिक करना है, आपको शो हो जाएगा क्लाइंट किस जगह पे क्या चेंज करवाना चाह रहा है। कोशिश करें कि चेंजिंग करने के बाद क्लाइंट को इनबॉक्स के अंदर फाइल सेंड करें और उससे पूछ लें, अगर वो सेटिस्फाई हो तो डिलीवर अगेन पे क्लिक करके आपने तमाम तरह फाइल्स को दोबारा से डिलीवर करना है। अगर क्लाइंट को मज़ीद टाइम चाहिए आपकी डिलीवर फाइल को रिव्यू करने के लिए तो आपको टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो वो यहाँ से थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेगा, आपको वो रिवीजन की रिक्वेस्ट भी कर सकता है। इसके अलावा रेजोल्यूशन सेंटर पर क्लिक करके आपसे अपडेट मांग सकता है या फिर आपके ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करने से भी उसको सेम ऑप्शन नज़र आते हैं। अगर क्लाइंट ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट करता है तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ऑर्डर फौरन कैंसिल हो जाएगा और क्लाइंट को तमाम तरह पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करके कुछ चेंजिंग करके दोबारा से फाइल को सेंड कर सकते हैं, या आप इनबॉक्स के अंदर उसके साथ बातचीत करके उसको मना सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं। अगर वो फिर भी ना माने तो आप उसकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। एक और चीज़ कि अगर ऑर्डर का टाइम गुजर गया है और आपने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो 24 घंटे गुजरने के बाद क्लाइंट ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जब करेगा तो आपका ऑर्डर फौरन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर क्लाइंट आपका ऑर्डर कैंसिल करता है या आपको नेगेटिव फीडबैक देता है तो आपने किसी भी तरह के गुस्से का इजहार या गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ChatGPT या डीप सीक जैसे AI टूल से पूछ सकते हैं कि क्लाइंट ने मुझे ये वाला फीडबैक दिया है तो इसको
किस तरह से रिप्लाई करना है। ऑर्डर कैंसिलेशन और नेगेटिव फीडबैक से कैसे बचना है, इस हवाले से मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो क्लाइंट को तमाम तरह जो पेमेंट है प्रोजेक्ट की वो वापस मिल जाती है। ऑर्डर कैंसिलेशन के अलावा आप क्लाइंट को पार्शल रिफंड का ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसमें आप कुछ अमाउंट खुद रख सकते हैं और कुछ अमाउंट क्लाइंट को वापस कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, पार्शल रिफंड वाले ऑर्डर पे क्लाइंट अपना फीडबैक ऐड कर सकता है, लेकिन जो आपका ऑर्डर मुकम्मल तौर पे कैंसिल होता है उसके ऊपर क्लाइंट अपना फीडबैक ऐड नहीं कर सकता। ऑर्डर के दौरान या ऑर्डर कम्प्लीट होने के बाद अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप यहां से रेजोल्यूशन सेंटर पर क्लिक करके फाइवर की सपोर्ट से बात करें और अपने मसले को हल करवा सकते हैं। जब आप क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट के पास 3 दिन का टाइम होता है। अगर वह 3 दिन तक कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर की जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो आपको पेंडिंग बैलेंस में शो होती है। फाइवर अपनी 20% फीस कट कर लेता है। फर्ज करें आपने ऑर्डर किया है $100 का, तो $20 वो अपनी फीस कट कर लेंगे और बकाया $80 आपको पेंडिंग बैलेंस के अंदर शो होगा। 14 डेज तक ये बैलेंस आपको पेंडिंग के अंदर ही शो होगा। ये फाइवर की तरफ से एक सिक्योरिटी पीरियड होता है कि अगर क्लाइंट को कोई भी मसला हो तो वो डिस्प्यूट ओपन कर सके, और 14 डेज गुजरने के बाद आप इस पेमेंट को विदड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप टॉप रेट सेलर हैं तो 7 दिन के बाद इस पेमेंट को विदड्रॉ कर सकते हैं। फाइवर से आप कम अज़ कम $30 विड्रॉ कर सकते हैं और इस पेमेंट को ट्रांसफ़र होने में 7 बिजनेस डेज लग सकते हैं। अब फाइवर से इस पेमेंट को विड्रॉ किस तरह से करवाना है ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।